हरियाणा के हिसार में आज ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल हरियाणा में करीब 350 साल पहले जबरन हिंदू से मुस्लिम बने टूम जाति के लोगों ने अब दोबारा से हिंदू धर्म अपना लिया है। इन लोगों को औरंगजेब के शासनकाल में तलवार के दम पर हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था, जिसके बाद करीब 350 साल बाद इन लोगों ने आज अपना धर्म बदलने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने उस वक्त किया जब एक बुजुर्ग महिला का निधन हो गया और उन्होंने शव को दफनाने की जगह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। मृतक महिला फुल्ली देवी के बेटे सतवीर ने इस घटना पर बताया कि बिठमड़ा के 30 परिवार समेत करीब 200 लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। इससे पहले वे शवों को दफना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने शवों को जलाने का फैसला किया है। किसी की दाब से नहीं किया, किसी के बहस से नहीं किया भाई। हम सब शुरू से लेकर हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक सब हिंदू समाज के साथ रहे हैं और सदा ही रहेंगे। हमारे 30 घरों का यही फैसला है। अब हमने पूरे 30 घरों ने ये पूरा हिंदू धर्म, यही पहले भी हिंदू थे हम और आज भी हिंदू हैं, और आज ये दाग लगा करके हमने पूरा विश्वास के साथ। मृतक महिला फुल्ली देवी के बेटे सतवीर और भतीजे मंदिर खान ने बताया कि हम और हमारे जात के लोग औरंगजेब काल में मुगलों के दबाव के कारण हिंदू से मुस्लिम बन गए थे। हालांकि हम लोग तीज त्यौहार हिंदुओं के अनुसार ही मनाते थे, लेकिन अभी तक वह और उनकी जात के लोग मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ही शव को दफनाते थे, लेकिन आज उस प्रक्रिया से मुक्ति पाकर वह पूर्ण रूप से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इन लोगों के अनुसार उस वक्त दबाव में बुजुर्गों ने मुस्लिम धर्म अपनाया था, लेकिन कभी रोजे नहीं रखे, ना ही मस्जिद में कभी कलमा पढ़ा। बता दें कि डूम जात हिंदू जाति में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। डूम जाति विशेषकर जमींदारों से अनाज लेकर अपना जीवन यापन करती थी और डूम भाट के नाम से भी ये लोग जाने जाते हैं।